कल कानून बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुण्य पुलिस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो। मोदी फडणवीस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पूरी नौजवानों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। वापस लो, वापस लो, वापस लो। बोलने की आजादी पर हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं को रिहा करो, वापस लो, वापस लो। गांव में जो घटनाएं घटी हैं, जो फर्जी मुकदमा चल रहा है, लोगों को अंदर कर दिया गया है, उनको रिहा किया जाए और सही से जांच जांच की जाए। कानूनन मांग है कि सही से जांच की जाए। और क्या मतलब कि जो मांग है, हमारी मांग है कि मिलिंद एकबोटे और संभाजी भिड़े जो नरेंद्र मोदी के बड़े नजदीकी हैं, उन्होंने वहां पर दलितों के खिलाफ हमला करवाया था, दंगा करवाया था भेला कोरे गांव में, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? उस FIR को क्यों दबा दिया है पुणे पुलिस ने? और उल्टा जो TV स्टूडियोज में तैयार किया हुआ एक बकवास का केस है, उसका कोई सबूत नहीं है, उसमें एक काले कानून का सहारा लेकर, अगर सही कानून का इस्तेमाल होता तो गिरफ्तारी हो ही नहीं पाती। काले कानून में ये असंवैधानिक है, इसलिए संविधान को कुचल करके इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है? बिल्कुल, महिलाएं तो महिला आंदोलन के बड़े बड़े कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, जैसे सुधा भारद्वाज को, सोमा सेन को, इनकी गिरफ्तार, इनकी इनकी रिहाई की, सबकी रिहाई की तुरंत हम लोग मांग कर रहे हैं। और हम पूछना चाहते हैं कि ये इमरजेंसी नहीं तो क्या है, ये फांसीवाद नहीं तो क्या है कि बिना किसी वजह के, सिर्फ इसलिए कि आप गरीबों दलितों के लिए जीवन भर काम किए हैं, उसकी वजह से आपको उठा करके जेल में पटक दिया जाएगा क्योंकि नरेंद्र मोदी आपको पसंद नहीं करते? ये फांसीवाद नहीं, तानाशाही नहीं तो क्या है? तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई के हक में जो मांगे थी वो उनको कुचलने के लिए मोदी सरकार कहे या ये BJP सरकार, इन्होंने इनके मांगों को कुचल दिया है। और जो फर्जीवाड़े में जो लोग अंदर हैं, उनके इन लोगों की मांग है वो किसी तरह रिहा करें, उनको उनका उनका केस खत्म करें, खत्म करें। तो अभी जो है केसेस जो लगे हुए हैं, अगर अभी ये पुणे सरकार अगर नहीं सुनती तो फिर आगे क्या कार्रवाई होगी? हम लोग धरने प्रदर्शन करते रहेंगे और अपना जो भी हमारा संघर्ष करने का तरीका कानूनी हम लोग करते रहेंगे। फिलहाल ये धरना कितने देर तक का चलेगा? ये धरना जब तक चलता रहेगा जब तक हम लोग इकट्ठे हैं, संगठित हैं, हम लोग कर रहे हैं इस चीज के लिए। जैसा कि देख रहे हैं कि अभी ये अपने मांगों को लेकर के सड़क पर उतर गए हैं, कि जो जैसा कि देख रहे हैं कि जो KG मार्च में जो धरना चल रहा है, ये अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं।